अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 11.4 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 से आज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 236 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 236 पर है क्वेश्चन नंबर 2 11.4 एक्सरसाइज का। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है, जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपको उन्हें चेंज करना है और चेंज किस में करना है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। यानी जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें हमें इसे चेंज करना है। एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से आपको चेंज करना है। गिवन सालिम स्कोर्स आर रन्स इन ए क्रिकेट मैच, नलिन स्कोर्स आर प्लस 15 रन्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अगर आप इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखेंगे तो नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। सालिम भी पढ़ सकते हैं और सलीम भी। तो इस तरीके से ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपको इसे चेंज करना है। फर्स्ट है जो दिया गया है, ए नोटबुक कॉस्ट रुपीज़ पी। एक नोटबुक की कॉस्ट अगर पी रुपीज़ है, ए बुक कॉस्ट रुपीज़ 3p, और अगर एक बुक की कॉस्ट 3p है, यानी कि 3 times ऑफ नोटबुक कॉस्ट है बुक की कॉस्ट, तो आप इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी में ऊपर मेंशन कर लीजिए एक्सरसाइज 11.4 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 1 कर रहे हैं क्योंकि हम, तो आज की डेट मेंशन कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम करेंगे ए पार्ट। तो इसमें क्या लिखेंगे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, इसे लिखेंगे ए बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, 3 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। बुक की कॉस्ट कितनी है, नोटबुक की 3 times है। तो यहाँ हमने इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब करेंगे बी, इसका सेकंड पार्ट, बी वाला पार्ट। तो बी पार्ट में है, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल। टोनी ने क्यू मार्बल्स जो है वो टेबल पर रखे। ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स, और उसके बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, 8 क्यू, यानी जितने उसने टेबल पर रखे हैं उसके 8 times मार्बल्स उसकी बॉक्स में हैं। तो इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो बी पार्ट है, टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 times, कितना 8 times द मार्बल्स ऑन द टेबल, यानी जो टेबल पर उसने रखे हैं उसके 8 times मार्बल उसके बॉक्स में हैं। ऑन द टेबल। अब करेंगे थर्ड, इसका सी वाला पार्ट। तो सी पार्ट है, अवर क्लास हैज एन स्टूडेंट्स। अगर हमारी क्लास में एन स्टूडेंट्स हैं, द स्कूल हैज 20 एन स्टूडेंट्स, तो पूरे स्कूल में हमारी क्लास से 20 times ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। जितने स्टूडेंट हमारी क्लास में हैं उसके 20 times पूरे स्कूल में हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हमारी क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स, और पूरे स्कूल में कितने, 20 n। इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं कॉपी में। तो सी पार्ट लिखेंगे, सी पार्ट में है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 times, पूरे स्कूल में 20 times स्टूडेंट्स हैं
किससे? दैट ऑफ आवर क्लास, यानी हमारी क्लास से, दैट ऑफ आवर क्लास। अब करेंगे नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट है जग्गू इज जेड ईयर्स ओल्ड, जग्गू की उम्र बताई गई है, जेड ईयर्स ओल्ड का है वो। हिज अंकल इज 4z years old, और उसके जो अंकल हैं वो 4z years old है, यानी कि जग्गू की एज से 4 times ज़्यादा है उनकी एज। एंड हिज आंट इज, और उसकी आंट की जो एज है वो कितनी है, 4z-3, यानी कि उसके अंकल से वो 3 years यंगर हैं, छोटी हैं। तो 4z-3 years old। अब इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं कॉपी में। डी पार्ट है जग्गूज अंकल इज 4 times, जग्गू के जो अंकल हैं, जग्गूज अंकल इज 4 times ओल्डर देन जग्गू, है ना, जग्गू के जो अंकल हैं वो उससे 4 times क्या हैं, बड़े हैं, 4 times ओल्डर देन जग्गू एंड जग्गू। एंड अब जो उसकी आंट हैं, यानी कि जग्गूज आंट, वो कितनी, वो अंकल से कितनी छोटी हैं, उसके अंकल की एज है 4z, और वो उनसे 3 years यंगर हैं। तो जग्गूज आंट इज कितनी छोटी हैं, 3 years यंगर। तो जग्गूज आंट इज 3 years यंगर हिज अंकल, और वो उसके अंकल से 3 साल छोटी हैं। तो ये हमने इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। अब है नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर एरोज, एक डॉट्स का अरेंजमेंट किया है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, आर हैं। ईच रो कंटेन्स 5 dots, और आपने जो भी अरेंजमेंट किया है डॉट्स का, हर रो के अंदर 5 dots हैं, यानी फर्स्ट रो है उसके अंदर 5 है, सेकंड रो है उसके अंदर 5 है, थर्ड रो है उसके अंदर 5 dots हैं। तो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट है। तो आर रोज हैं, टोटल रोज कितनी है आर, और हर रोज में कितने डॉट्स हैं, 5 dots हैं। तो इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times, इज 5 times द नंबर ऑफ रोज। जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो नंबर ऑफ रोज के 5 times है। कितने टाइम्स है, 5 times है। तो 5 times द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है। गिवन मनुज एज टू बी एक्स ईयर्स, सॉरी मुन्नू की एज दी गई है एक्स ईयर्स, कैन यू गैस वॉट एक्स माइनस टू में शो, एक्स माइनस टू क्या शो कर रहा है आपको ये बताना है। हो सकता है कि ये मुन्नू का छोटा, यहाँ पर थिंक हिंट दी गई है, थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर। तो एक्स माइनस टू आपको क्या सोचना है, यहाँ पर हिंट दी गई है, यानी कि उससे 2 साल छोटा उसका भाई हो सकता है छोटा। कैन यू गैस वॉट एक्स प्लस फोर, उससे 4 years बड़ी उसकी कोई बहन या कोई भाई हो सकता है, है ना। वॉट 3x+7 में शो, 3x+7 क्या शो करता है आपको ये बताना है, यानी कि मुन्नू की एज से 3 times बड़े, और उसमें 7 को और ऐड कर दो, इतने बड़े उसके कौन हो सकते हैं, उसके पापा हो सकते हैं, उसके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या फिर ग्रैंडमदर भी हो सकती हैं। तो आपको ये बताना है, ठीक है, चलिए देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में क्या कहा गया है कि मुन्नू की एज है एक्स, तो एक्स माइनस टू क्या शो करता है। तो एक्स माइनस टू में शो हो सकता है, में शो द एज ऑफ, में शो द एज ऑफ हिज
हिज यंगर सिस्टर, यानी कि उसकी छोटी बहन हो सकती है जो उससे 2 साल छोटी हो, है ना, हिज यंगर सिस्टर, SISTER सिस्टर। अब है बी पार्ट इसी का, उसमें कहा गया है कि एक्स प्लस फोर क्या शो करता है, यानी कि मुन्नू की एज से 4 ईयर्स, यानी कि मुन्नू से 4 साल बड़ा कौन हो सकता है, उसका भाई हो सकता है या उसकी बहन भी हो सकती है एक और, तो एक्स प्लस फोर में शो क्या शो हो रहा है इससे, में शो द एज ऑफ हिज ऑल्डर, या फिर एल्डर भी लिख सकते हैं, यानी उससे 4 साल बड़ा भाई, हिज ऑल्डर ब्रदर। एल्डर कर लीजिए, सॉरी इसे ई कर लीजिए, ई कर लीजिए इसे, यहाँ पर ई बना लीजिए इसे, एल्डर ब्रदर। उसके बाद है सी पार्ट में कि 3x+7 क्या शो कर रहा है, तो 3x+7 में शो हो सकता है, में शो द एज ऑफ हिज ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रैंडफादर, हो सकता है कि ये उसके ग्रैंडफादर की एज हो, FATHER। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट, गिवन सारास एज टुडे टू बी वाई ईयर्स, आज सारा की एज कितनी है वाई ईयर्स है, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर, कि उसकी एज फ्यूचर में और इन द पास्ट में आपको थिंक करना है, व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट, और ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करेंगे, 3 का है बी पार्ट, सारा की एज आज कितनी है वाई ईयर्स है, और एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं y+7 और y+4:1/2 में इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये सारा की कौन सी एज इंडिकेट कर रहे हैं, फ्यूचर एज, में इंडिकेट सारास एज इन फ्यूचर, सारास एज इन फ्यूचर, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि सारा की एज को इंडिकेट कर रहे हैं, फ्यूचर एज को, ठीक है। उसके बाद जो एक्सप्रेशन है y-3 और y-2:1/2, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये मे इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सारास पास्ट एज में इंडिकेट सारास पास्ट एज, यानी सारा की पास्ट एज को इंडिकेट कर रहे हैं, मे इंडिकेट सारास पास्ट एज। इसी तरीके से सी पार्ट, गिवन एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल, एन स्टूडेंट से क्लास में जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, व्हाट में 2n शो, अब 2n क्या शो कर सकता है आपको ये बताना है, व्हाट में n/2 शो, n/2 यानी n/2 या n/2 क्या शो कर रहा है आपको ये बताना है। हिंट दिया गया है, थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल, आपको इनकी जगह क्या लेना है, फुटबॉल के अलावा कोई और गेम ले सकते हैं आप, ठीक है, और आपको बताना है कि क्या चीज़ क्या शो कर रही है, कौन सा एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, जिसमें है एन तो शो कर रहा है कि जिन बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो 2n एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है, तो द एक्सप्रेशन 2n में शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, है ना, कि जो 2n यानी कि फुटबॉल से 2 गुना ज़्यादा जो बच्चे हैं क्लास में वो किसको पसंद कर रहे हैं, कौन से गेम को पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को, तो 2n स्टूडेंट्स किसको पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक
क्रिकेट, क्लासरूम में 2N स्टूडेंट्स क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं। और इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन n अपॉन 2 यानी कि n बाय 2 कि फुटबॉल से कम बच्चे किसको, यानी उस एक्सप्रेशन का मतलब है कि फुटबॉल से हाफ टाइम्स बच्चे किस गेम को पसंद कर रहे हैं। द एक्सप्रेशन n बाय 2 मे शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप कोई भी गेम लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी, हु लाइक हॉकी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर बास्केटबॉल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बास्केटबॉल लिख रही हूँ, बास्केटबॉल। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 11.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।